हमीरपुर में आए दिन निजी बस चालकों की मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजे मामले में निजी बस के चालक ने एचआरटीसी के चालक के साथ मारपीट की, जिसमें चालक को शरीर पर गहरी चोटें आई हैं, तो चालक को जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। पुलिस थाने पहुंचकर उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर में आए दिन निजी बस चालकों की मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजे मामले में निजी बस के चालक ने एचआरटीसी के चालक के साथ मारपीट की है, जिसमें चालक को शरीर पर गहरी चोटें आई हैं, तो चालक को जान से मारने की धमकियां दिए जाने पर पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया है। एचआरटीसी चालक के द्वारा सवारियों को बिठाने के मामले में निजी बस चालक ने बस को रुकवाकर एचआरटीसी के चालक से मारपीट की है। वहीं पुलिस ने भी निजी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन जारी कर दी है। एचआरटीसी के चालक मनोज कुमार ने बताया कि हमीरपुर से जाहू बस रूट पर बस को लेकर जा रहा था कि निजी बस चालक ने बस में सवारियां बिठाने की बात को लेकर मारपीट की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि निजी बस चालक अपने टाइम से लेट चल रहा था और पीछे से आकर एचआरटीसी की गाड़ी रुकवा कर मारपीट की है, जिसमें शरीर पर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि इस मारपीट के दौरान मेरा मोबाइल फोन, पैसे और सोने की चेन भी गायब हुई है। मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम में बतौर चालक हूँ, हमीरपुर डिपो में हूँ। ये हुआ क्या था पिछले कल? आज सुबह जैसे ही हम अपने रूट पे हमीरपुर के लिए आ रहे थे सवारियों को लेकर, तो हमारे से आगे एक प्राइवेट बस ठाकुर बस, जिसका नंबर है HP 5431, जो हमारे से आगे आ रही थी और वो 15-20 मिनट लेट थी, और जो आगे आगे चल रही थी उसने सवारियाँ बिठाने के लिए गाड़ी रोकी और मैं उसके पीछे था, मेरी गाड़ी रुकी तो उसमें तीन औरतें लेडीज सवारियाँ बैठ गई, तो उसने अचानक ही गाड़ी घुमा के मेरी गाड़ी को क्रैश करने की कोशिश की, साइड मारी उसने और मेरी गाड़ी रोकी, और जब गाड़ी रोकी तो उसका कंडक्टर आया, उसने दरवाज़ा खोला और गले से पकड़ा मेरे को और नीचे घसीटते हुए मेरे साथ मार पिटाई की, और साथ में इन्हीं की जो हमीरपुर से जाऊ के लिए, इन्हीं की ठाकुर बस जो जाती है वो हमीरपुर के लिए जाऊ के लिए हमीरपुर से आ रही थी, तो उसका ड्राइवर भी उतर के उसने भी मार पिटाई की, वो भी साथ में मिला और बोला कि मैं मालिक हूँ गाड़ी का और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया उसने भी, और लोगों ने बचाया। वहाँ पर मेरा नुकसान ये हुआ कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ मार पिटाई की, और गले में सोने की चेन थी वो भी गायब है, जेब में 5000 रुपये निकाला हुआ था, कहीं शादी में जाना था उसके लिए मैंने खरीदारी करनी थी वो भी गायब है, और मैं जब मैं पुलिस की सहायता के लिए फ़ोन करने लगा तो उसने मेरे को किक मार के हिट किया, मेरा मोबाइल कहीं गायब हो गया नीचे, और इतने ट्रैफिक जाम लग गया था, वहाँ गाड़ियाँ चल रही थी, वहाँ पर मेरा फ़ोन जो है टूट गया। बाकी किसी भाई ने वहाँ से नीचे से उठा के दिया, टूटा वो फ़ोन मेरे को पकड़ाया, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी रोक यहाँ से और मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, बात करनी है पहले तभी गाड़ियाँ जाएगी, तो ड्राइवर ने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर बस चढ़ाने की कोशिश की, किसी सवारी ने मुझे खींचा वहाँ से और वो दोनों ड्राइवर कंडक्टर वहाँ से भाग गए गाड़ी लेकर के, तो और मुझे ये भी धमकी दी कि हमीरपुर के बस स्टैंड के बाहर किसी भी ज़िले में कहीं भी जाएगा तेरे को ख़त्म कर देंगे, उस ड्राइवर ने ये धमकी दी। तो आपने पुलिस स्टेशन आए तो? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाई है, अभी मेडिकल के लिए कर रहे हैं, भेजेंगे, अभी मेडिकल होगा, उसकी बाकी कार्रवाई उसके बाद ही। आपको और कहाँ चोटें लगी हैं? मेरे को पेट में हिट किया है, घूम चोटें लगी हुई हैं थोड़ी सी, और कपड़े वगैरह ये फटे हुए हैं। पूरा मसला हुआ क्या इसमें, क्यों आपसे मारपीट की गई है? इसलिए कि उन्होंने की सवारियाँ जो बैठ गई ना, बल्कि वो तो खुद लेट आ रहा था, उसका टाइम था ही नहीं, वो लेट था, लेट होने की वजह से आगे सवारियाँ उसकी बस में नहीं बैठी, मैं पीछे चल रहा था, मेरा तो अपना ही टाइम था, मैं टाइम से जा रहा था, लेडीज सवारियाँ हमारी गाड़ी में बैठ गई, तो उसने इसी चीज़ को देख करके कि सवारियाँ इसी गाड़ी में क्यों बैठ गई और लड़ाई झगड़ा किया, और ये करते रहते हैं कभी ना कभी, तीसरे चौथे दिन इनका आदत ही बनी हुई है ऐसा करने की। आपका कौन सा रूट था? मेरा जाओ से हम। नाम क्या बताया भाई आपने? मेरा नाम मनोज कुमार। तो आपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी इसकी कंप्लेंट? हाँ, मैंने अपने RM साहब को बता दिया हुआ था कॉल करके, फिर साहब ने बोला कि आप सवारियाँ वगैरह लेके बस स्टैंड में पहुँचो, उसके बाद फिर आपके साथ अधिकारी भेजते हैं, साथ में पुलिस स्टेशन में जाएंगे, बाकी कार्यवाही आगे। ठीक है, थैंक यू। वहीं इस मामले पर संजीव कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि HRTC के चालक ने निजी बस चालक पर मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने धारा 353 और 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। HRTC के एक चालक ने हमें शिकायत दी है कि जब वो लंबलू रोड पे अपने रूट पे जा रहा था तो एक निजी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ सवारियों को लेकर मारपीट की है, और
इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी अन्वेषण किया जा रहा है। किस 353, 332, 504, 506 IPC।